ओके सो आज अपन डिस्कस कर लेते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग होती क्या है, क्योंकि आज दिवाली है तो आज निफ्टी और सेंसेक्स का अपना मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन रहेगा 6:15 से लेकर 7:15 तक। तो कुछ लोगों के मन में जो नए नए हैं मार्केट में, उनको लग रहा है मुहूर्त ट्रेडिंग होती क्या है, तो उसको थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है मुहूर्त ट्रेडिंग। सिंपल होती है मुहूर्त ट्रेडिंग, कुछ नहीं होती। वैसे तो दिवाली के दिन मार्केट की छुट्टी रहती है, बट क्या है कि मार्केट को सिर्फ मुहूर्त यानी शुभ अवसर, कोई अपन जैसे दिवाली होती है तो अपन घर पे कुछ नया सामान लेके आते हैं, कोई फ्रिज लाता है, कोई टीवी लाता है, ऐसे करके दिवाली पे मार्केट को इसलिए खोला जाता है जिसको कुछ नया बाई करना है, शुभ अवसर होता है, तो किसी को स्टॉक बाई करना है या कुछ किसी को लेना है नया, कुछ थोड़ा बहुत आदमी डालना चाहता है, किसी के पास 1 लाख है तो 10,000 इन्वेस्ट करना चाहता है आज के दिन, तो इसलिए मार्केट को 1 घंटे के लिए ओपन किया जाता है। जैसे मार्केट का टाइमिंग रहता है 6:15 से लेके 7:15 तक मार्केट को ओपन किया जाता है और 1 घंटे बाद मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ये सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है, लेकिन क्या हुआ है कि अब ये रहता है कि ओपनिंग कैसी होगी मार्केट। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मार्केट को, जैसे मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है उसको वहाँ शॉर्ट कर देते हैं, तो कुछ लोग बेच के भी पैसा बनाते हैं। मार्केट खुलता है बाई करने के लिए, लेकिन कुछ लोग बेच के भी पैसा बना लेते हैं। तो वो तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, वो तो स्ट्रेटजी के ऊपर बात नहीं कर रहा अपन, सिंपली ये समझ रहे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग होती क्या है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग सिंपल होता है कि मार्केट की छुट्टी रहती है उस दिन, लेकिन मार्केट को खोला जाता है किसी को कुछ नया बाई करना है मुहूर्त के हिसाब से, तो 6:15 से 7:15 तक के लिए मार्केट को खोला जाता है। उसमें आदमी बाई कर सकता है, वो करने को सेल भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेल बाई नहीं हो सकता या सेल नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हैं, लेकिन खोला इस नाम से आता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग है तो बाई करना है दिवाली के शुभ अवसर पर। एक डाटा दिखाते हैं आपको कि सेंसेक्स ने पिछले लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन जो मुहूर्त ट्रेडिंग पे खुले हैं उसमें सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट लाल या रेड निशान में बंद हुआ है, और उसके अलावा 7 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे जिसमें मार्केट पॉजिटिव रहा है। मतलब 10 में से 7 तो पॉजिटिव रहे हमेशा अभी तक, और 3 निगेटिव रहे। तो मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ चार्ट है अपने पास, 1 सेकेंड। तो अपना जो चार्ट है 2012 में एक नेगेटिव सेशन रहा था, 0.28% सेंसेक्स गिरा हुआ था, उसके अलावा 2013, 14, 15 में पॉजिटिव रहा था, उसके बाद 2016 में नेगेटिव रहा था, 2017 में सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहा था इसमें 0.6% के आसपास सेंसेक्स नेगेटिव रहा था, उसके बाद 2018 में पॉजिटिव रहा, 2019 में भी पॉजिटिव रहा, 2020 में भी पॉजिटिव रहा, 2021 में भी पॉजिटिव रहा, और जहाँ तक कि लग रहा है अभी का सिनेरी देखे कि SGX अभी थोड़ी देर पहले 300 पॉइंट पॉजिटिव था, तो इस बार भी मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। हालांकि हो सकता है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, इतना बड़ा गैप खुल रहा है क्योंकि और सारी चीज़ें भी थोड़ी सी ख़राब हो रखी हैं, और लेकिन वो तो सारी चीज़ें अलग है जो अपन ने कल के एनालिसिस से बात कर ली है। लेकिन अभी फ़िलहाल अपना ये है कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग सिंपल, मार्केट 1 घंटे के लिए खुलता है, किसी को मुहूर्त के लिए बाई करना है तो बाई कर सकता है, और 1 घंटे बाद को मार्केट में बंद भी कर दिया जाता है। ओके सो दिस इज़ इट, यही होती है मुहूर्त ट्रेडिंग। इसमें मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं और पोस्ट कर देंगे। ओके दैट्स इट, थैंक यू।